सो गाइस यार, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि यार बहुत से लोगों के फोन में प्ले स्टोर से फ्री फायर मैक्स डाउनलोड नहीं हो रहा है या फ्री फायर मैक्स अपडेट नहीं हो रहा है। आप सभी लोगों के सामने बार बार पेंडिंग प्रॉब्लम देखने को मिल रहा होगा और बहुत से लोगों के फोन में तो यार एक नोटिस भी देखने को मिल रहा है जिसमें लिखा हुआ है कैन नॉट इन इंस्टॉल या अपडेट करना फ्री फायर मैक्स, ऐसा कुछ लिखा हुआ। तो ऐसे में आप लोग टेंशन भी मत लो, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों को ये सब प्रॉब्लम का 100% सोल्यूशन के बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपके ये वीडियो पूरा देखने के बाद से थोड़ा सा भी हेल्प मिलेगा या वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा या पसंद आता है, तो ऐसे में प्लीज मेरे भाई लोग यार आप लोग ये वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल में नए होंगे तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जैसे कर लेना ऐसे और आगे भी हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए। तो चलो यार, अब आप लोग बिना कोई टाइम वेस्ट किया आज फिर शुरू करते हैं। सो गाइस, बात करें कि आप लोगों के फोन के प्ले स्टोर एप्लीकेशन में फ्री फायर मैक्स डाउनलोड नहीं हो रहा है या फ्री फायर मैक्स अपडेट नहीं हो रहा होगा। आप सभी लोगों के सामने बार बार पेंडिंग प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, तो कैसे आप लोग इसको 100% ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हो? तो इसको सॉल्व करने के लिए भाई आप लोग यार प्ले स्टोर एप्लीकेशन के एफ इन्फो में आ जाना और उसके बाद आप लोगों को प्ले स्टोर का क्लियर और डाटा कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को एक और ऑप्शन देखने को मिला होगा डाटा यूजेस का, तो इसके अंदर आप लोग आना और उसके बाद नीचे में आप लोगों को जो भी मोबाइल डाटा, वाईफाई एंड बैकग्राउंड डाटा देखने को मिला होगा, तो तीनों को आप लोग ऑफ करके फिर से ऑन कर लेना। और उसके बाद आप लोग यार अपने फोन के सेटिंग के अंदर चले जाना। जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को जो भी सर्च का ऑप्शन देखने को मिला होगा वहाँ पर आप लोग सर्च करना रीसेट, तो आप लोगों को एक सेटिंग देखने को मिलेगा रीसेट वाईफाई मोबाइल नेटवर्क का एंड ब्लूटूथ का, तो यार इसके अंदर आप लोग आ जाना। आने के बाद नीचे में आप लोगों को जो भी रिसेट सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिला होगा उसको क्लिक करके भाई आप लोगों का फोन का जो भी पासवर्ड है उसको डालने के बाद इसको आपको एक बार रिसेट कर देना है। इसको क्लिक करने से भाई आपका फोन तो रिसेट नहीं होगा लेकिन आपके फोन का जो भी वाईफाई मोबाइल नेटवर्क एंड ब्लूटूथ एक बार रिफ्रेश हो जाएगा। और उसके बाद आप लोग अपने फोन को एक बार रिस्टार्ट या रिबूट कर लेना और उसके बाद आप लोग अपने फोन में प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करना। और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को राइट साइड के कोने की तरफ आप लोगों को गूगल अकाउंट का जो भी लोगो देखने को मिला होगा उसको आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को प्ले स्टोर का सेटिंग देखने को मिल जाएगा। तो इसके अंदर आप लोग आ जाना और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को एक नेटवर्क का प्रेफरेंसेस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसका आप लोग क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप लोगों को एक ऐप डाउनलोड प्रेफरेंसेस का जो भी सेटिंग देखने को मिलेगा उसका आप लोग क्लिक करना। और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को सेकंड में जो भी ओवर वाईफाई ओनली सिलेक्ट होगा उसको आप लोग हटाकर फर्स्ट में जो भी ओवर एनी नेटवर्क को आप लोग सिलेक्ट कर लेना। और उसके बाद भाई आप लोग प्ले स्टोर से जाकर आप लोग फ्री फायर मैक्स को डाउनलोड करने की कोशिश करोगे तो भाई आप लोगों के फोन में 100% डाउनलोड हो जाएगा या अपडेट हो जाएगा, आपको कोई से प्रॉब्लम पेंडिंग वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिलने वाला है। तो इस तरीके से भाई आप लोग आसानी से अपने फोन के प्ले स्टोर में फ्री फायर मैक्स डाउनलोड या अपडेट प्रॉब्लम देखने को मिला होगा उसको आप लोग 100% सॉल्व कर सकती है। तो अगर आपका ये वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिला होगा या वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा या पसंद आया होगा, तो ऐसे में प्लीज मेरे भाई लोग आप लोग ये वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल में नए होंगे तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जैसे कर लेना ऐसे और आगे भी हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू गाइस, कीप सपोर्टिंग।